स्वागत है आपका कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। इस चैनल पर आप किडनी से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि यूरिन में झाग क्यों आता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कर्म आयुर्वेदा में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां देते हैं। साथ ही हम आपको किडनी में होने वाली समस्या और उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में भी बताते हैं। हमेशा की तरह आज का विषय भी बहुत खास है। आज हम आपको बताएंगे कि यूरिन में झाग आने के क्या कारण हो सकते हैं। किडनी में जब कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले आपके यूरिन में कुछ बदलाव दिखाई देते हैं, जिनमें से एक यूरिन में झाग आना भी होता है। जब आपको यूरिन में झाग दिखाई दे तो आप इसको अनदेखा ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि आपकी लापरवाही आपकी किडनी के लिए हानिकारक हो सकती है और एक समय बाद ये आपके लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दिन भर आप जितना भी पानी पीते हैं वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यूरिन के माध्यम से आपके शरीर में जमा टॉक्सिन्स भी बाहर होते हैं, जिससे आपका शरीर नुकसान से दूर रहता है। यूरिन का शरीर से सही मात्रा में निकलने का अर्थ है कि आपकी किडनी स्वस्थ है और अपना काम सही ढंग से कर रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यूरिन में कुछ बदलाव नजर आते हैं, जिसमें से एक बदलाव यूरिन में झाग आना भी होता है। यूरिन में झाग आना आपकी किडनी खराबी का एक संकेत हो सकता है और इसको अनदेखा करना शरीर में कई सारी परेशानियों को बढ़ावा दे सकता है। किडनी जो मानव शरीर में एक फिल्टर मशीन की तरह काम करती है, जिसका काम ब्लड की गंदगी को साफ करना होता है, साथ ही शरीर में बढ़ने वाले क्रिएटिनिन को यूरिन के माध्यम से बाहर करना भी होता है। जब आपकी किडनी अपना काम सही ढंग से करती है तो आप स्वस्थ रहते हैं और किडनी में आने वाली थोड़ी सी भी खराबी आपके शरीर में कई बदलाव ले आती है जो आपके लिए हानिकारक होते हैं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि किडनी में खराबी आने के कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें अनदेखा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यूरिन के रंग में बदलाव, यूरिन में झाग होना, यूरिन में ब्लड दिखाई देना, यूरिन की मात्रा में कमी, यूरिन में दुर्गंध होना जिसे फाउल स्मेल भी कहा जाता है, हाथ पैरों में सूजन, लगातार उल्टी होना, थकान और भूख में कमी होना, असहनीय सिर दर्द, कमर दर्द और मांसपेशियों में दर्द होना, चक्कर और अक्सर बेहोश हो जाना, ठंड लगकर बुखार आना, नींद में कमी होना, वजन में बदलाव होना और शरीर में खुजली होना, ये हैं किडनी खराबी के कुछ लक्षण, जिसमें से एक यूरिन में झाग होना भी है। अगर आपके शरीर में ऐसी कोई भी समस्या नजर आती है तो इसको इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए अब बात करते हैं यूरिन में झाग आने के कारणों के बारे में। पहला कारण है अधिक प्रोटीन का सेवन। यूरिन में झाग आना किडनी प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा होता है। जिनकी किडनी में खराबी होती है या होने वाली होती है तो ये एक संकेत के रूप में सामने आता है। लेकिन इस बात पर गौर किया जाए कि यूरिन में झाग आता क्यों है और इसके कारण शरीर में प्रोटीन की अधिकता हो सकती है। जब भी आप ऐसे आहार का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे आहार शरीर में टॉक्सिन्स को बनाते हैं, तो उसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है और जब ये टॉक्सिन्स यूरिन के रास्ते बाहर होते हैं तो इसके साथ प्रोटीन भी बाहर होता है, जो यूरिन में झाग का कारण बनता है। दूसरा है टॉक्सिन्स का सही तरह से बाहर न हो पाना। जब भी आप ऐसे आहार लेते हैं जो शरीर में अधिक मात्रा में क्रिएटिनिन को बनाते हैं और किडनी किसी कारणवश क्रिएटिनिन को सही तरह से साफ नहीं कर पाती, तो इस वजह से टॉक्सिन्स पूरे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। शरीर में अधिक क्रिएटिनिन की वजह से यूरिन गाढ़ा हो जाता है और इस बीच जितनी भी यूरिन रिलीज होता है उसमें झाग होता है। तो यूरिन में झाग होने का एक कारण टॉक्सिन्स का सही मात्रा में बाहर निकल ना पाना भी है। तीसरा कारण है यूरिन में इन्फेक्शन होना। जब किसी कारण से यूरिन में इन्फेक्शन जैसी समस्या हो जाती है तो ये किडनी इन्फेक्शन का कारण बनती है, जिसके कारण किडनी अपना काम सही तरह से नहीं कर पाती और इस वजह से टॉक्सिन्स पूरी तरह शरीर से बाहर नहीं हो पाते और जो यूरिन में झाग का कारण बनते हैं। किडनी के ढंग से काम न कर पाने की वजह से क्रिएटिनिन तो सही मात्रा से शरीर से बाहर नहीं निकलता, पर अच्छा प्रोटीन यूरिन के माध्यम से बाहर हो जाता है, जिसमें झाग जैसी स्थिति बन जाती है। फोर्थ है डिहाइड्रेशन। जब आप पानी का सेवन कम मात्रा में करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे यूरिन की मात्रा में कमी होगी। नियमित रूप से आहार लेने और पानी का सेवन कम करने से आपको डिहाइड्रेशन की तकलीफ हो सकती है और साथ ही आपके यूरिन में झाग जैसी समस्या हो सकती है। डिहाइड्रेशन के कारण शरीर में पानी की कमी होने लगती है और यूरिन गाढ़ा होने लगता है, जो यूरिन में झाग बनाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप पूरे दिन भर में सही मात्रा में पानी का सेवन करें, ताकि आप ऐसी समस्या से दूर रहें।
पांचवा कारण है तनाव जैसी स्थिति। जिन लोगों को अधिक मानसिक तनाव होता है उनके यूरिन में झाग होने की संभावना अधिक होती है। ब्लड में एल्ब्यूमिन नाम का एक अच्छा प्रोटीन होता है जो आपके शरीर को कमजोरी से बचाता है, लेकिन जब किडनी अपना काम को अच्छे से नहीं कर पाती तो इस वजह से एल्ब्यूमिन यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने लगता है जो यूरिन में झाग बनाता है। यूरिन में अधिक प्रोटीन बाहर आने की स्थिति को प्रोटीनयूरिया या प्रोटीन लॉस कहा जाता है। ऐसे और कई कारण हैं जो यूरिन में झाग की स्थिति को बताते हैं। जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी कोई भी परेशानी होती है उनके यूरिन में झाग होने जैसी स्थिति बनती है, क्योंकि हार्ट में समस्या तब होती है जब हार्ट ब्लड को सही तरह से पंप नहीं कर पाता। बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन ब्लड को गाढ़ा कर देता है जिसके कारण किडनी ब्लड को सही तरह से साफ नहीं कर पाती और ऐसा ब्लड हार्ट से जुड़ी परेशानी को बढ़ावा देता है। अधिक मात्रा में जंक फूड और अनहेल्दी फूड का सेवन आपकी किडनी के काम में दबाव डालता है। जब किडनी सही मात्रा में यूरिन नहीं बना पाती तो इससे टॉक्सिन्स भी सही तरह से बाहर नहीं हो पाते और ये यूरिन में झाग का कारण बनते हैं। इसके साथ ही जिन्हें किडनी में कई और समस्याएं होती हैं उनके यूरिन में झाग आना स्वाभाविक होता है, क्योंकि किडनी में समस्या होने पर सबसे पहले यूरिनरी फंक्शन में ही बदलाव नजर आता है। तो ये है यूरिन में झाग आने के कुछ कारण। अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी अपने आप में नजर आती है तो इसके लिए आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यूरिन में झाग आना आपकी किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये था हमारा आज का विषय जिसमें हमने ये जाना कि यूरिन में झाग होता क्यों है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यूरिन में झाग आना किडनी खराबी का एक संकेत है, तो इससे ये जाहिर होता है कि आपको अपनी किडनी को स्वस्थ रखने की जरूरत है। अगर आप किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को शामिल करें। अगर आप अपनी किडनी समस्या के लिए आयुर्वेदिक इलाज लेते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। आपको किडनी में कोई भी समस्या है तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा का इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है जिसका कोई गलत प्रभाव आपके शरीर में नहीं होता। तो आप किडनी की समस्या के लिए कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं जिससे आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। अगर आप किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो इसके लिए आप हमसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या आप हमें सीधा व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से यूरिन में झाग आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हम फिर हाजिर होंगे एक और विषय के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे साथ हैं एसबी गुरम, कहां के रहने वाले हैं? देहरादून, उत्तराखंड, देहरादून। जब आए थे क्या क्या समस्या हो रही थी उस समय? इनका वो क्रिएटिनिन बढ़ गया था तो हम डायलिसिस करने के लिए जा रहे थे। फिर हमने आपका यूट्यूब में देखा, फिर हमने कहा चलो डायलिसिस वाला लगाने भी ले गए थे देश में। उन्होंने फिर हमने वो यहाँ देखा यूट्यूब में, फिर तो हम इधर आए। बेस हॉस्पिटल से गए थे तो जब आए थे उस समय क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी? और मतलब क्रिएटिनिन काफी ज्यादा था उस समय जो आपका 8 के आसपास था, 8.7 था, काफी बड़ा हुआ था जी। क्या बताया था डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर ने बोला था कि इनको डायलिसिस करना है, आप डायलिसिस करने के लिए फुसला लगा लीजिए और इनको डायलिसिस करने के कर लीजिए। फिर हमने आपका यूट्यूब में देखा, फिर तब हम आपके पास आए। आप डायलिसिस के बोला उन्होंने कराने के लिए? कराने के लिए बोला था, पर हमने नहीं किया। अब नहीं करा? नहीं कराया। पहले से बेटर लग रहा है आपको? हाँ, पीछे थोड़ा कान का प्रॉब्लम है ना। अच्छा, तो डाइट सब ठीक है वैसे तो? काफी अच्छा रिजल्ट आया है। इन फैक्ट क्रिएटिनिन वाज क्वाइट हाई व्हेन द पेशेंट स्टार्टेड ट्रीटमेंट, इट वाज अबाउट 8.7। पहले वाली रिपोर्ट नहीं लाया हुआ? नहीं। देन दिस क्रिएटिनिन केम डाउन टू 7.2 स्कैन हो गया, एंड देन दिस क्रिएटिनिन इन द रीसेंट रिपोर्ट हैज केम डाउन टू 4.8। 8.7 से 4.8 तक कैसे कैसे क्रिएटिनिन आया है वो आपके सामने है। इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रिएटिनिन जो डायलिसिस की स्थिति थी, डायलिसिस से पेशेंट बाहर आए हैं और आज जो है वो क्रिएटिनिन काफी हद तक इनका इंप्रूव किया और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स मिले। लग के इन्होंने सब चीजें फॉलो करी और क्रिएटिनिन जो 8.7 था 4.8 हुआ। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ इनको ट्रीटमेंट शुरू करा, डायलिसिस से तो टोटली बाहर आया। किसी को रिपोर्ट दिखाएंगे तीनों से कैसे? पहले तो ये बढ़ता चला जा रहा था। ये टेस्ट आपने कहाँ से कराए? ये रिपोर्ट लैब जो आपके घर के आस पास ही है, थोड़ा दूर। ये लैब का आपको कराने के लिए हमने बताया था या आप अपने अनुसार गए थे? हम अपने आप ही गए थे।
इन्होंने सब चीजें लग के फॉलो करी और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स नजर आए। स्टॉप आपने खाने को बोला वैसे वैसे खाने को दिया था, गुड रिजल्ट आते हैं डाइट में भी और सब चीजें फॉलो करने की वजह से भी और मेडिसिन से भी। कुल मिला के द गुड थिंग इज दैट द क्रिएटिनिन इज केम डाउन टू 4.8। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।